मतलब अंग्रेजी समझ आती है, हिंदी से इनको कोई समझ लेना में देना आया, नहीं है। डिफरेंस समझा दिया गया है, कोई कॉपी पेस्ट नहीं है, समझ जाइए इस बात को। यानी वो रीति है ना कि भाई सरकार में जो है जब वो बजट पेश करती है पार्टी, तो उसका विरोध तो विपक्ष करता ही है, उसी रीति को आगे बढ़ाया जा रहा है ना। देखिए पूजा जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग आपको और आपके दर्शकों को। अभी मैं क्या बोलूं, इस बजट पे एक शायरी याद आ गई मेरे को, ना खुदा ही मिला ना विशाले सनम, ना इधर के हुए ना उधर के हुए। तो जो ना इधर के हैं जो ना उधर के हैं वो बात कर रहे हैं, बजट समझा रहे हैं इस देश की जनता को कि देखो हमने बहुत अच्छा बजट दिया है। बजट क्या दिया, जो नरेंद्र मोदी जी 2014 में बात करते थे कि देश में हम जॉब सीकर्स नहीं जॉब क्रिएटर्स बनाएंगे, तो जॉब्स तो पहले खत्म कर दिया, अब जॉब क्रिएटर को भी खत्म कर दिया। अब नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि हम हर शहर में हर गाँव में हर कस्बे में इंटरप्रेन्योरशिप बनाएंगे, उद्यमी लोगों को तैयार करेंगे। अब 2047 का सपना दिखा रहे हैं, तो 2014 में इन्होंने सपना दिखाया था 2023 में हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, 2014 में इन्होंने दिखाया था कि हम महंगाई कम कर देंगे, भ्रष्टाचार कम कर देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 2014 के सपना था। 2023 आते आते, 2022 आते आते, 2024 आ गया, हम ये सपने सपने रह गए। अब सपने का क्या हो रहा है, अब सपने दिखाए जा रहे हैं 2047 के, एक कमाल के सपने के सौदागर हैं जो सपने दिखा रहे हैं। अब आप ये बताइए, जो कांग्रेस पार्टी ने कहा था, जो मैनिफेस्टो में हमने कहा था, वो फर्स्ट एड था बेरोजगारी से लड़ने के लिए, महंगाई से लड़ने के लिए, वो फर्स्ट एड के तौर पे काम करने के लिए हमने कहा था कि इसको तुरंत तत्काल राहत देने के लिए काम करिए। लेकिन इनके पास ना कोई ऐसी नीतिगत न्याय हुआ, ना कोई अर्थव्यवस्था के लिए इन्होंने काम किया, तो जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना था इनके पास कुछ है नहीं। अर्थव्यवस्था और रोजगार को सेहत में पूर्ण सुधार करने की जो नई नीतियों की जरूरत है, तो नई नीतियां इनके पास मान लीजिए ना, शुरुआत के तौर पर ही मान लीजिए। अब देख लेना आपने जिस तरह से बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, उसका असर दिखा ना इस बजट में। अब देखिए इसका एक उदाहरण ले लीजिए, जो चीन से इतना बेतहाशा ये लोग आयात कर रहे हैं, पिछले 10 सालों में जितना संबंध भारत सरकार ने चीन के साथ बनाया है, मोदी जी ने चीन के साथ जितना झूला झूला है, तो भारत की अर्थव्यवस्था हिचकोले खा रही है और उसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है एमएसएमई पे। तो एमएसएमई सेक्टर यहाँ तो तबाह होने की कगार पर आ गया है। दूसरी बात आप बताइए, पॉल्यूशन की हम बात करते हैं, दुनिया के 100 सबसे पोल्यूटेड शहर में भारत के 83 शहर आते हैं और वो भारत में है। नरेंद्र मोदी जी उन पोल्यूशन के लिए क्या काम कर रहे हैं। 2015 में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 2023 तक 40 करोड़ युवाओं को स्किल ट्रेनिंग का लक्ष्य रखा है, लेकिन 2024 आ गया, अभी तक 1,37,00,000 युवाओं को इन्होंने स्किल ट्रेनिंग दिया है। तो अब आप ये बताइए ये क्या है। ठीक है, आपका विरोध भी जारी है, तमाम जो विपक्षी गठबंधन, ठीक है, जो तमाम विपक्षी गठबंधन के जो नेता हैं, तमाम दल हैं, विरोध जता रहे हैं। इसमें महेश चव्हाण, आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि महाराष्ट्र